नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गरीबों के बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध करते हुए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी नसेनी लेकर ऊर्जा मंत्री का बंगला घेर लिए, साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसियों का कहना था कि हम नसेनी लेकर आए हैं। जिस नसेनी पर चढ़कर मंत्री लोगों के कनेक्शन जोड़ते थे वे इसे भूल गए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस उन्हें नसेनी भेंट करने आए हैं। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात हुआ। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए 250 कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध शांति भंग किए जाने के आरोप में वैधानिक कार्रवाई की। साथ ही कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। बता दें कि जब कांग्रेसियों का विरोध तेज होने लगा तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब पुलिस की चेतावनी का कांग्रेसियों पर कोई असर नहीं हुआ और कांग्रेस पुलिस की बस के आगे लेट गए तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। मौके पर पुलिस ने 250 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में पहुंचाया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।